हैप्पी बर्थडे रोहन। कौन सा फ्लेवर? बनाना है, स्ट्रॉबेरी, सब सब मिलेगा आपको। नवरात्रि में आना तो इसके अंदर आइए, तभी तो मजा आएगा। हाँ ये देखिए, संतान तुम माता। तो गाइस रात के 11:30 बज रहा, आज रोहन का बर्थडे है, तो हम लोग कुछ सरप्राइज किए हैं रोहन को। एक्चुअली पता नहीं कि आज उसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर, वो उसने हम लोगों को ना गलत डेट बता के रखा, उसने हम लोगों को 28 बताया, बट एक्चुअल में उसका बर्थडे जो है ना 22 को है। तो सईद आ गया है, गुलमोहर पार्क के बाहर में खड़ा है, हम धीरे से जाएंगे और उसके बाद रोहन को बुलाएंगे, क्योंकि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसका ना केक काट देंगे, उसको सरप्राइज दे देंगे उसको। मतलब लग रहा है ना, रोहन सोच रहा है कि कुछ है नहीं, किसी को मालूम नहीं चला। सईद है ना, पूरा डिटेल रखता है A to Z रोहन का। सईद बाहर में खड़ा है, सईद हमको कॉल करके बोल दिया है कि उस चिड़िया को उठा कर किसी तरह भी ले आओ वहाँ पर, और हम लोग उधर ही फिर सेलिब्रेट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं और हम लोग सब चीज़ वहाँ पर अरेंज कर लिए हैं, बस रोहन को जा रहे हैं और रोहन को हम लेकर आएंगे। चलो वॉक करते करते चलते हैं, धीरे धीरे कैजुअली जाएंगे, और वहाँ पर अचानक है ना कि सईद अपने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा प्लान है, तब जाते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट बाकी है। तो रोहन को लेने जा रहे हैं और 15-20 मिनट में क्या होगा कि हम लोग वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे अपने गुलमोहर पार्क का एंट्रेंस में। तो देख रहे हैं हम लोग रोहन के घर पास पहुँच गए, और ये रोहन का बेस्ट फ्रेंड है। इधर आओ, देख भाग रहा है, अरे भाग रहा, ये देखिए क्या, रोहन तेरा दोस्त सुनता ही नहीं है, हैं? तो हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, बहुत दिन से हम लोग आइसक्रीम नहीं खाए, हम लोग आइसक्रीम ट्राई करेंगे, जल्दी चलो, रेडी है, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं मस्त। हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ओ माय गॉड, आइसक्रीम अचानक, हर्ष भी है क्या भाई, हर्ष भी अचानक इधर कैसे आ गए हैं, या हर्ष भी है क्या? हाँ नंबर देने का लग रहा है ये, हर्ष भी क्या कर रहे इधर, तो भोकाल दे दिए सरप्राइज है। हम लोग एक्चुअली में कैजुअली जस्ट वॉक के लिए निकले, तो हम और रोहन, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हर्ष भी अचानक यहाँ पर आगे प्रकट हो गए। तो अचानक कैसे आ गया हर्ष भी आप में, बिना कुछ नोटिफिकेशन? थोड़ा मिल लिया, हाँ सरप्राइज देने लगे, मतलब आप भी आजकल। तो हर्ष भी आ गए हैं, रोहन है, क्या जी भोकाल चलता है, भोकाल तो देते हैं लोग। आप आज का वीडियो देखे कि नहीं, भोकाल वाला? अरे बहुत बढ़िया वीडियो था। अरे 12 बज गया क्या लगता है हर्ष भैया? रोहन हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रोहन, आज इसका बर्थडे है, सपाटी दीजिए उसको, आज का बर्थडे है। 12 बज गया, आओ चलो आइसक्रीम खिलाते तुमको, आ जाओ। हाँ हम लोग टैंक पे बैठ के आधा, हम लोग यहाँ आइसक्रीम के पास। ओ सईद भाई, सईद भाई फुल पावर में बैठे हैं ब्रो, और कैसे भाई? चल रहा भाई। रोहन को क्या कटवाए क्या देख रहे हैं? वही ना, बन क्यों रहा है डालने के लिए? तो यहाँ पे रोहन के लिए हम लोग केक ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे वेज ही है भाई, हम लोग नॉन वेज नहीं खा रहे हैं। ये देखो स्पेशल आया गया यहाँ पे, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ पे कुछ यूनिक टाइप का मतलब केक कटिंग करने वाले हैं, आइसक्रीम को ऊपर रख के, क्योंकि रोहन को बोले तो आइसक्रीम खिलाएंगे, इसलिए पूरा आइसक्रीम वाला ही हम लोग बुक कर लिए, उसी के ऊपर रख के हम लोग रोहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले यहाँ पे। रोहन को ऊपर करो। तो भाई फाइनली यहाँ पे देखिए सेटअप हो गया, और साथ में कौन कौन आए हैं? तेजा भाई आए हैं, बहुत दूर से, कितना 50 किलोमीटर दूर से, देख रहे हैं भाई, मतलब डेडिकेशन फुल पावर में। तो हम लोग इसमें बुलेट पे रख के हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो हम लोग सोचे यहाँ पर करेंगे, आग लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई को, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आग नहीं लगाया, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो लाइटर भाई, रोहन आना चाहिए कैप्चर में, हाँ रोहन आएगा ना, रुक जाओ। हैप्पी बर्थडे, जाइए हर जगह साइड, जाइए आप, हैप्पी बर्थडे रोहन, ब्लेस यू। देख रहे भाई रोड पे ही काट रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बीच रोड पे ही काटना चालू हो गया, कब बंद हो गया लाइट है, उसको निकाल दो। रोहन कितना प्यारा लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। सो रोहन जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हर्ष भैया ऑरेंज गिर गया नीचे, लाइट। ओ भाई गजब। रात का है पता नहीं, थोड़ा क्वालिटी लो आएगा, मेरा फोन थोड़ा सस्ता वाला फोन है ना भाई, इसलिए मैनेज कीजिएगा। मैं नहीं खाता ना रे। क्यों नहीं खाता? थोड़ा लाइट तो मारता ना, बाहर जाना किससे? 5 मिनट जा रहे हो क्या? अरे 5 मिनट का ना, जाओ तेजा भाई जाओ, तब चेहरा में थोड़ा लाइट भी आएगा। तो भाई जा रहे हैं, अब रोहन को केक खिलाते हैं, तो बताओ ये तो भोकाल वाला मोमेंट है। ये एप्पल भी खिलाते हैं, एप्पल खा ले भाई,
इतना सारा रोहन को केक खिला के बाकी जब केक रोहन का मुंह पैसे करके मार देंगे पूरा मार दे भाई को खिलाएगा नहीं क्या अपने आइसक्रीम भाई है आजो खिलाओ खिलाओ भाई का बर्थडे एकदम बिंदास खिलाओ खिलाओ लेटाओ लगाओ सब करना जितना लग रहा है खिला दो तुम जो लग रहा है इसमें खिला लो फुल पावर हर्ष भैया नया बिजनेस ज्वाइन किए हैं तो कितने रुपए का भैया आइसक्रीम कितने रुपए का है 30 रुपए का कौन कौन सा फ्लेवर बनाना है स्ट्रॉबेरी सब सब मिलेगा आपको हाँ मिल्क चोको कौन कौन सा आइसक्रीम है दिखाइए ओ भाई इतना सारा कलेक्शन है मतलब देख रहे नया नया दुकान खुला है मस्त है एकदम मस्त है खाओगा खाओ भाई खाओगा खाओ अपने भाई यूपी है भाई का बढ़िया आइसक्रीम है यहाँ पे गुलमोहर पार्क के बाहर में लगाते हैं आके भाई का बढ़िया एकदम यहाँ पे आइसक्रीम खाओ सब लोग यहाँ पे मस्त तो भाई केक वेक काट लिए हम लोग जा रहे हैं हल्का फुल्का घूमने के लिए DLF जा रहे हैं तो नवरात्रि का टाइम है तो हम लोग देखते हैं कि कैसा क्या है तो हम लोग कुछ खाएंगे देखेंगे अगर कुछ खाने लायक मिला तो कुछ खाएंगे नहीं तो घूम फिर के वापस आ जाएंगे तो थोड़ा नाइट आउट तो बनता है तो नाइट आउट का मजा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं ये देखिए रात में भाई भौकाल गाड़ी वाड़ी चल रहा पूरा और ये वाला रोड पे ना मजा आता है तो रोहन आज गाड़ी चला रहा है बर्थडे वाला दिन फुल एंजॉय कर करके एकदम देख रहे हैं अभी सारे शॉप वगैरह जो है ना क्लोज है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है घर जाने के अलावा और ये जो है ना DLF है ऊपर में देख लीजिए तो यहाँ पे है ना कि मस्त मस्त खाने का चीज रहता है बट लेकिन क्या करें आजकल जो है ना पुलिस जल्दी ही बंद करवा दे रहे हैं गुड मॉर्निंग अब हम लोग उठ गए हैं सुबह सुबह जल्दी आज हम लोग थोड़ा अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे देखिए रोहन भी आ गया और रोहन के लिए हम क्या लाए हैं बर्थडे पे ये देखिए मिरिंडा रोहन का बर्थडे पे हम दे रहे हैं मिरिंडा सुबह सुबह एकदम ठंडा एकदम चिल है ना पूरा ठंडा है कि नहीं हाँ रोहन भी अभी सो के उठ गया और जल्दी जल्दी सुबह नहा लिया हम लोग जल्दी जाते हैं और दुर्गा माँ का दर्शन करके आते हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं हम लोग का वैसा कुछ डिसाइडेड तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे देखिए बढ़िया एकदम तैयारी चल रहा है दुर्गा पूजा का तो कितना अच्छा लग रहा है भाई मतलब कि हम सोच रहे थे मिलेगा कि नहीं बट यहाँ पर हम लोग फाइनली खोज लिए एक जगह हम लोग का बगल में ही था गाना का आवाज़ सुन सुन के हम लोग यहाँ पर आ गए हैं रोहन ऊपर जा रहा माता का आशीर्वाद लेने के लिए रोहन को हम बोले कि बर्थडे है आज के दिन कितना अच्छा दिन इस रोहन का बर्थडे है ना कि माता का दर्शन हो गया अष्टमी वाला दिन रोहन का बर्थडे आज तो हम जाते हैं माता का आशीर्वाद लेकर आते हैं मैं संतान तू माता यहाँ पे प्रसाद मिल गया यहाँ पे हो रहा था तब मस्त हम लोग प्रसाद भी यहाँ पे खा लेते हैं यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पे ये भी देख लिया था अच्छा टाइम पे हम लोग आए थे कि खाने को कुछ मिल गया हम लोग को और भूख भी लग रहा था तो भाई मस्त हम लोग खा लिए यहाँ पे एकदम बढ़िया एकदम खाना हो गया अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है अब जाके थोड़ा रूम पे रेस्ट करेंगे फिर शाम को देखते हैं कहीं इस पर जाना होगा तो रोहन को घुमा देंगे थोड़ा सा और अभी तो फिलहाल के लिए तो निकल रहे भाई लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो गाना वाना बजता है दुर्गा जी का तो मस्त लगता है A few moments later. फिर से अभी हम लोग जा रहे हैं आकाश को सोचे कि घुमा देते हैं क्योंकि आकाश दर्शन नहीं किया तो उसको कोई भी मंदिर ले जाके इसको घुमाते हैं दुर्गा जी का भी दर्शन करा देते हैं हम और रोहन तो कर आ गए थे तो ये आकाश देख रहे फुल पावर तैयार होकर हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से यहाँ पे तो हम लोग तैयार हो गए चश्मा उश्मा ले लिया क्या तुम ये रहा अच्छा चश्मा पहन कर आजकल इसको ना चश्मा जो है ना पावर वाला चश्मा को कन्वर्ट कर लिया स्टाइलिश चश्मा में देख रहे हैं भाई लोंडा का स्टाइल ही अलग है तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं सीधा माहौल देखते हुए रास्ते में जाते हैं भाई देख लीजिए कितना प्यारा सजा हुआ है नवरात्रि में आना तो इसके अंदर आइए तभी तो मजा आएगा हाँ देखिए वाओ सो लवली अंदर अंदर हाँ पार्किंग अंदर है सही जगह लाए ना तुमको हम बोले कहते चलो घुमा देता आकाश को यार हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऐसे पहले एक बार आ चुके हैं बट नवरात्रि में फर्स्ट टाइम है कितना प्यारा लग रहा है तो आपको यहाँ ना मंदिर के अंदर यहाँ पार्किंग वार्किंग का पूरा व्यवस्था और लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं लाइटिंग वगैरह जो है ना नेक्स्ट लेवल का है तो ये वाला देख रहे हैं ये वाला जो है ना मंदिर है और मंदिर से जैसे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर है ना कॉर्नर टाइप का बनाया गया और सबको सजा दिया गया और वॉल पे ना के सारे भगवान जी यहाँ पर है ये देखिए वॉल पे ना फोटो वोटो बनाया गया है तो यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर बढ़िया से और यहाँ पूरा लंबा कॉरिडोर की तरह है यहाँ पे पूरा सजाया हुआ है तो अभी मंदिर के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरती इस मंदिर का दर्द है लाखों दुनिया में तो भीड़ ज़्यादा हो गया अचानक तो हम लोगों ने उधर से लाइन में लग के जाना पड़ेगा पहले इधर से एंट्री था बट हम लोग वहाँ जाएंगे लाइन में लगेंगे और फिर वहाँ से दर्शन कर लेंगे
तो भाई फाइनली हम लोग दर्शन कर लिए हैं और आरती भी देख लिए, अच्छा लगा। और नवरात्रि मतलब मज़ा आ गया भाई। तो ये देख रहे हैं आप लोग भी, आखिरी बार देख लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ से फाइनली, बट मज़ा आ गया।